ओके बैक बेंचर्स, अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। वो अब जूझू आगे जाएंगे ना, बिलीव मी चीजें आसान होती जा रही है। और एक बात जो काफी आपको अगर परेशान कर रही होगी, यार हम लिखेंगे कैसे इसे, तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ, रट्टा नहीं लगाना। लिखना कैसे, जस्ट इसको समझो, ठीक है। मेन मेन की वर्ड्स, ठीक है, वो यूज कर रहे हैं, अपने लफ्जों में लिखना है, ठीक है। रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर यही वाला क्वेश्चन आता है, इसमें भी आपने सेम यही बात करनी है कि ये क्या करेगा, अगर ये दोनों ये कंडीशन फुलफिल करता तो हम कहेंगे कि जो मैथ अटैच स्प्रिंग के साथ ही क्या सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो को शो करवा रहा है, ओके। इसी तरह हमने इसमें भी यही देखना है, इसमें भी यही देखना है, तीनों में सेम ही तकरीबन सेम ही बातें लिखनी है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसमें हम देखते हैं, तो अगर इसको लिखेंगे तो आप सिंपल कहेंगे कि हमने एक स्प्रिंग ले लिया है, उसको अटैच कर दिया एक मैश के साथ, जिसका मैश क्या ले लेते हैं हम, एम ले लेते हैं, ठीक हो गया। और हमने उस पर एक फोर्स अप्लाई की, और फोर्स अप्लाई करने के बाद हम उसको एक पॉइंट पे लेके, जो कि मेरे पास क्या था, पी पॉइंट था, ठीक है। ये इसकी मेन पोजीशन कहाँ पड़ी हुई है, ये वाला जैसा जो ये जो ओ पॉइंट है। अब आप इसी तरह हर एक को बताओ यार कि ओ पॉइंट क्या है। ओ पॉइंट आप बताओगे कि यार वो मेन पोजीशन को बता रहा है, ठीक है। तो खाली यही बातें लिखोगे ना तो इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दोगे, ठीक है। ये क्या बता रहा है, क्यू पॉइंट आप बता दो यार, कि वो उसका एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है। क्यू पॉइंट और जो सा पी पॉइंट है, वो दोनों क्या है मेरे पास, क्यू और पी मेरे पास क्या बता रहे हैं, वो दोनों ही मेरे पास एक्सट्रीम बता रहे हैं, ठीक है। ये दोनों हमें क्या पॉइंट बता रहे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट बता रहे हैं उसके। तो ये बता दो, सबसे पहले एक स्प्रिंग ले लिया हमने, फिर उसको एक मैश के साथ अटैच कर दिया, और जब हम उसको पॉइंट पी पे लेके, वो उसका एक्सट्रीम पॉइंट था, और फिर हम क्या कहते हैं एक और पॉइंट है जो कि क्यू, वो भी उसका एक्सट्रीम पॉइंट है, जो बीच में पॉइंट पड़ा है वो उसका क्या पॉइंट है, वो मेन पॉइंट है। ये छह सात बातें लिखी, इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दोगे, ठीक है। तो अपने से लिखना है, अपने लफ्जों में लिखना है, ओके। फिर आपने बताना है कि इस पर जो होता है हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा होता है। अब हुक्स लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नाइन्थ क्लास में, ठीक है। हुक्स लॉ सिंपल क्या है कि जितनी मैं फोर्स स्ट्रेस प्रोड्यूस करूंगा उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, यानी कि दोनों डायरेक्टली रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। जितना मैं स्प्रिंग को खींच के मार लेके जाऊंगा उतनी ही उसमें इलास्टिसिटी आएगी, ठीक है। तो दैट इज सिंपल हुक्स लॉ, ओके। तो आप कहेंगे कि ये जो है हुक्स लॉ भी इस पे क्या हो रहा था, अप्लाई हो रहा था। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ठीक है, कि हम जितनी फोर्स लगाएंगे, जितनी हम फोर्स लगाएंगे, ये फर्स्ट कंडीशन हमने फुलफिल करनी है, कैसे अभी देखते हैं। जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतना ही वो डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, ऐसे ही ना। अगर मैं इसको मेन पोजीशन से हल्का सा वहां लेके जाऊंगा तो ये एक्स क्या बता रहा है, एक्स डिस्प्लेसमेंट बता रहा है मेन पोजीशन से उस साइड पे, ठीक है, और इस साइड पे। तो अगर मैं हल्का सी फोर्स लगाऊंगा तो वो हल्का डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, ओके। तो दैट इज ओके जी। तो हुक्स लॉ यही हमें बता रहा था, जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो एफ इक्वल हो जाएगा माइनस के कांस्टेंट और एक्स। अब के कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट मतलब एक नंबर, एक वैल्यू, ठीक है। वो स्प्रिंग की स्ट्रेंथ को बता रहा होगा, वो वैल्यू एक कांस्टेंट है। हम इसको यहां से क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ओके, फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू, क्योंकि उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा, वो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो उसी तरह, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम इसलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो F इज इक्वल टू आ गया माइनस एक्स, ओके। ये तो होगी भाई साहब, पहली कंडीशन क्या होगी, फुलफिल होगी। अब सेकेंड कंडीशन, ठीक है, अब क्योंकि हमने इसके साथ एक मैश अटैच किया हुआ, ठीक है, तो अब मैश का जिक्र भी आ गया इसमें, तो हमें पता है, और हमने दूसरी चीज निकालनी क्या है, हमने इस दफा दूसरी चीज एक्सीलरेशन निकालनी है सेकंड कंडीशन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ठीक है, न्यूटन का आप बता देना, न्यूटन का सेकंड लॉ जो है, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, वो क्या बताता था कि एफ इज इक्वल टू एम ए, वेरी इजी, ठीक है। अब एफ किसके बराबर है, एम ए के बराबर हो गया, ठीक है। अब एक एफ ये निकला और एक एफ ये निकला, हम इन दोनों इक्वेशन को, ये इसको मैं इक्वेशन वन का नाम दे देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन टू का नाम दे देता हूँ, ठीक है। हम इन दोनों को, पहली को और दूसरी को क्या कर लेते हैं, आपस में कंपेयर कर लेते हैं, ओके। आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इट्स अपॉन टू यू, ठीक है। अगर मैं इसको ले लूँ तो ये भी चलेगा, ठीक है। मैं एक मिनट, क्योंकि बुक में यहाँ ये लिया हुआ, लेकिन ये भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है यार, ये ले लो बेशक, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो अब हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी फोर्स है और ये भी मेरे पास क्या है, फोर्स है, ओके। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर कर लूँ, कंपेयरिंग वन एंड टू, ये लिख लेगा, मेरे पास जगह कम है, तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम ए, क्योंकि ये भी फोर्स के बराबर है, और ये इज इक्वल आ गया माइनस के और एक्स के। हमें क्या चाहिए, हमें ए चाहिए, क्योंकि हमने सेकंड कंडीशन को फुलफिल करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब यहां पे देखो यार, ए इधर ही रहा,
ओके क्योंकि एक्सप्रेशन निकालना है हमने, ठीक है, माइनस के इधर ही रहा, एक्स इधर ही रहा, और ये एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा, वहां जाके क्या हो जाएगा, वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल गुड, ओके क्लियर यहां तक बात, ओके अब देखो जो मास है स्प्रिंग का वो कॉन्स्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं, वो चेंज नहीं होगा पूरे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, वो सेम रहेगा। तो ये चीज क्या है मेरे पास, ये कांस्टेंट होगी मेरे पास यहाँ पर। और अगर मैं इसके कांस्टेंट की बात बता दूं, तो अभी पहले बता चुका हूं मैं कि उसकी वो स्ट्रेंथ है, और ये भी क्या रहेगी, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, ऐसी नहीं कि चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट। तो जब भी एक चीज कांस्टेंट होती है हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इस दोनों चीजों को निग्लेक्ट कर दूं तो बकाया मेरे पास क्या रह जाएगा, बताओ, सेकेंड कंडीशन रह जाएगी a is equal to minus x। तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन कहाँ आ गई हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन ये रही, वो हमने शुरू में प्रूव कर दी थी, ठीक है। ये देखो ये फर्स्ट कंडीशन आ गई मेरे पास, और सेकंड कंडीशन ये आ गई। तो जब भी एक बॉडी ये दोनों कंडीशन फुलफिल करती है तो हम कह सकते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर मजीद इसमें लिखना है, मैंने शुरू फर्स्ट लेक्चर में पेंडुलम का जब ऑसिलेशन का जब बता रहा था उसमें भी ये बात मैं बता चुका हूँ, अगर आपने मजीद लिखना है तो आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी वाला, पोटेंशियल एनर्जी वाला आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन ये देखो इसका कौन सा पॉइंट है, इसका पी पॉइंट हमारे पास कौन सा पॉइंट था, एक्सट्रीम पॉइंट था ये, ओ जो है ना वो हमारे पास, ये इसको मिला मत देना, ठीक है ना, ये मतलब ऊपर से आया था, ठीक है। ओ जो है वो मेरे पास क्या है, मीन पोजीशन। हमें पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे आप ये लिख सकते हो, एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हाइल काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, एंड एट मीन पोजीशन ओके काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हाइल पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, एंड व्हेन it come back to the point q which is extreme position again the potential energy will be stored and it will maximum while kinetic energy will zero because yahan pe ye aake ek second ke liye rukta hai, wahan pe bhi ye ek second ke liye rukta hai, yahan pe bhi ek second ke liye rukta hai, yahan pe bhi ek second ke liye rukta hai, to kyunki ye ruk raha hota hai halki se second ke liye to hum keh sakte hain ki yahan pe iski kinetic energy kya ho rahi hai, zero, lekin potential energy kya ho rahi hai, high। आप ये वाली बात अगर कोई भी पेपर में कोई भी एक एग्जांपल आ सकती है तो आप उसको ये वाली बातें लिख सकते हो, ठीक है, काइनेटिक पोटेंशियल वाली। और यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, मेरे पास मैक्सिमम हो रही है, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, जीरो। और इससे पे फिर क्या हो जाएगी, पोटेंशियल मैक्सिमम और काइनेटिक जीरो। तो दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है, होपफुली आपको समझ आएगी, मेरे सारी फोकस है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। अपने लफ्जों में लिखना शुरू कर दो, अपने लफ्जों में लिखना शुरू कर दो। #peak, peace out।